नमस्कार दोस्तों, वन एट हर चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर आया हूँ मैं आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी कॉलम से रिलेटेड होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे कॉलम से रिलेटेड, कैसे हम लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए मैंने आपके लिए एक प्रॉब्लम जो ला रखी है, तो मैं बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा कैसे सॉल्व करता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ठीक है। है ना, आरसीसी शॉर्ट कॉलम 400 mm इन डायमीटर इज रिनफोर्स विद 6 बार 25 5 mm डायमीटर। यूज़ M20 ग्रेड, जो कंक्रीट का जो ग्रेड है M20 का है, ठीक है। एंड ग्रेड ऑफ स्टील Fe 4/5, 415 ग्रेड का स्टील उसने यूज़ कर रखा है, ठीक है। फाइंड द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है, मतलब PU की वैल्यू, ठीक है। तो जो लास्ट वीडियो में PU वाला फॉर्मूला जो लिखा है आपको, तो वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके डिप्लोमा का जो सिलेबस है उसमें, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। 195 में अगर आप जिन क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ ना, आप अगर इन क्वेश्चन को करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे नंबरों से आप पास करोगे सब्जेक्ट को। कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड, अब यहाँ पे देख रहे हो लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है। अब यहाँ पे कंडीशन है ये, एक तरीके से समझिएगा इसको, ऑफ द कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, जो कॉलम है हमारे इफेक्टिवली हेल्ड हो रखा अपनी क्या पोजीशन पे, एट बोथ एंड रेस्टेड अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है आपको, जो IS कोड हमारा 456/2000 उस पर पेज नंबर 94 पे रिकमेंडेड लेंथ है हमारे कॉलम की दे रखी, तो वो रिकमेंडेड लेंथ जो दे रखी है आपके वहाँ पे, वो आपके इन कंडीशन जो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, सबके जितने भी लेंथ दे रखी है वहाँ पे, उनके आगे उनकी कंडीशन लिखी है, जो कंडीशन हमारी मैच करती है, ठीक है। तो आप वहाँ से उसके लेंथ निकाल सकते हो, कॉलम इज जो कॉलम की लेंथ यहाँ पे दे रखी 3.5 meter लेंथ दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले काम क्या होता है क्वेश्चन को करने के लिए, जो भी गिवन डेटा है उसको लिख दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे Fe 4/5 मैंने लिख दिया, जो ग्रेड ऑफ स्टील था M20, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट था FCK की वैल्यू न्यूटन पर mm square, ये Fe से हमारा Fy की वैल्यू निकल जाएगी 415 mm square, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बनता है, जो L क्या दे रखा है मेरे 3.5 meter। अब ये L क्या है आपको निकालना है, इफेक्टिव नहीं दे रखा है, तो आपको इसको इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे दे रखा है 6 बार 25 mm डायमीटर की, तो सबसे पहला इतना हमारा वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में। अब हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं। एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए आपने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करी, ये 25 है, ठीक है। तो हमारा ये सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारा 2945.2 mm square, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ स्टील निकल गया। सेकंड काम क्या होना है हमारा, कि चेक कॉलम एक्जली लोडेड और नॉट, हमारा कॉलम एक्जली लोडेड है या नहीं। एक्जली लोडेड का मतलब होता है कि जो हमारा लोड है वो सेंट्रिक है या नहीं है, यानी अगर सेंटर टू सेंटर हमारा लोड लाई कर रहा है कॉलम के, तो हमारा कॉलम क्या है, एक्जली लोडेड है। तो हमको वही चीज़ चेक करनी है, और ये हमारा हम क्या मान सकते हैं 0.05 जो डायमीटर है, टाइम्स ऑफ डायमीटर, हम मान सकते हैं कि हमारा लोड क्या है, सेंट्रिक है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो हमारा लोड क्या है, सेंट्रिक नहीं है, तो उसी चीज़ को हमको चेक करना अभी। तो मैंने निकाल दिया 0.05 डी को सॉल्व करके, ये हमारा 20 mm आई ये वैल्यूज़। तो देखते हैं मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितनी होती। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, एल इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस D/30। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, एल इफेक्टिव की। तो एल इफेक्टिव हमारा कैसे आएगा, तो मैंने आपको कंडीशन जो क्वेश्चन में दे रखी है ना, वो आपको क्या करना है, कोड से मैच कराना है। तो कोड 0.8L वहाँ पे दे रखा है, जो रिकमेंडेड लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है। तो मैं आपको कोड को विजिट कराता हूँ, कोड
मैं ले के चलता हूँ आपको कहाँ पे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारा जो वैल्यूज मिल रही है हमें 2.80 मीटर, ठीक है। चलो मैं आपको कोड दिखाता हूँ अभी ये वाली वैल्यू को, ये देखिएगा यहाँ पे ये वाली वैल्यूज हमारी 0.80 L, ये मैंने यहाँ से ली है। रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ के लिए कॉलम के लिए पेज नंबर 94 पे लिखा है। यहाँ पे ये कंडीशन जो है मैच कर रही है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट किया, डायमीटर मुझे 400 दे रखा, मैंने काट यहाँ पे काट दिया। अब चूँकि मुझे यहाँ पे देखने दिखाई दे रहा है कि जो 2.8 है, 80 मैंने लिखा है, ये मीटर में था, और जो ऊपर की जो वैल्यूज़ है वो mm में है। तो मुझे अगर मैं mm में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं 10 मेरी और बढ़ जाएगी, तो मैंने ये 10 और बढ़ा के, ठीक है। अब ई मिनिमम मुझे कितना मिल रहा है, ई मिनिमम की जो वैल्यूज़ है वो मुझे मिली 18.9 mm, ठीक है। अब क्या करना है, जब हमने 0.05 D निकाल दिया और ई मिनिमम निकाल दिया, तो हमको चेक करना था ना एक्जली लोडेड के लिए। तो कैसे, कब, कौन सी कंडीशन में होता है, जब 0.05 D हमारा ग्रेटर देन होता है ई मिनिमम से, तो आपका कॉलम क्या होता है, एक्जली लोडेड है, मतलब आपका लोड जो है सेंटर टू सेंटर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारी यही कंडीशन बन रही, तो आपको भी ध्यान रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपकी ये कंडीशन बन रही है, तो आपका कॉलम एक्चुअली लोडेड है, तो ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ती है, ठीक है। सेकेंड हमारा आता है कि ग्रॉस एरिया निकालना, ग्रॉस एरिया बेसिकली बी इंटू डी से निकालना, लेकिन यहाँ पे बी और डी नहीं दे रखा है, सिर्फ ओनली केवल डायमीटर दे रखा हमारा, जो डी दे रखी है। तो मैंने ग्रॉस एरिया इससे निकल जाएगा, तो मेरा जो ग्रॉस एरिया भी मैंने यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा सेकेंड स्टेप क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील निकालना। एरिया ऑफ स्टील आपका यहाँ पे निकाला था हमने पीछे अभी 2945.2 mm², थर्ड मेरा क्या बनता है यहाँ पे कि कंक्रीट का एरिया निकालना, ठीक है। अब कंक्रीट का एरिया कैसे निकलता है, जो भी हमारा ग्रॉस एरिया होता है में से अगर हम स्टील को माइनस कर दें, है ना, Ag - As, तो हमारा कंक्रीट ही तो बचेगी, तो कंक्रीट का एरिया निकल जाएगा। अब कंक्रीट का एरिया मेरा यहाँ पर आया 122718.5 mm², ठीक है। कंक्रीट का एरिया निकालने के बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे जो भी हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी कॉलम में, जो हमारा क्वेश्चन है कॉलम का, इसमें क्या बोल रखा है उसने कि लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखाए हैं, और एक ही फॉर्मूला आपका बेसिकली यूज होता है अगर आपका कॉलम एक्चुअली लोडेड है। तो 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FI AST, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, तो आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो। तो सारी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट किया, 0.4, जो हमारा FCK कितना था 20, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, और हमारा एरिया ऑफ कंक्रीट भी हमने निकाल रखा यहाँ पे, प्लस 0.67 FI, ग्रेड ऑफ स्टील 415 का हमने यूज कर रखा, तो 415 इंटू एरिया ऑफ जो स्टील का एरिया हमने पीछे भी निकाला था 6 × 25 mm की जो डायमीटर की दे रखी थी। तो अब लोड कैरिंग कैपेसिटी जो PU की वैल्यू हमने इसको सॉल्व किया, तो हमें कितना मिल रहा, 1800.67 kN, यानी हमारा जो PU है, लोड कैरिंग कैपेसिटी है कॉलम की, उनको ये इतना मिल गई, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइव सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इजी कंसेप्ट है, मुश्किल से 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है। थैंक यू।